हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी कैपेसिटिव सेंसर के बारे में। तो इस सेंसर की खासियत ये होती है कि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए या टच किए उसकी जो अवेलेबिलिटी बता सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू रेंज। ये डिफरेंट रेंज का आ सकते हैं, जैसे 20 mm, 10 mm, 15 mm। तो मेरे पास ये सेंसर है, ये 15 mm रेंज का है। और जितने भी कैपेसिटिव सेंसर होते हैं उनके बैग में पीछे ये हमेशा ही पोर्ट दिया होता है। ये इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो डिफरेंट टाइप के आते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, अल्ट्रासोनिक, इस टाइप के जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी वो था प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव सेंसर, ठीक है। उसकी खासियत ये थी कि वो जो क्या करता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल को ही ओनली सेंस करता है। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है हमारा जो प्रॉक्सिमिटी कैपेसिटिव सेंसर। और इसकी खासियत ये होती है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो, दोनों को जो है सेंस कर लेगा। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ा वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो ये 3-wire सेंसर है, तो ये 4-wire में भी आता है, 2-wire में भी आता है, और जो मेरे पास है 3-wire सेंसर है। तो जो इसका ब्राउन कलर है ये इसका पॉजिटिव रहेगा, जो ब्लू है ये इसका नेगेटिव रहेगा, जो ब्लैक है ये इसकी आउटपुट रहेगी। और ये सेंसर PNP NO है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी आउटपुट हमें मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, ब्लैक वायर में मिलेगी। जो ये ब्लू एंड ब्राउन होता है ये स्टैंडर्ड है, लगभग सभी सेंसर में सेम ही होता है। जो ब्राउन है पॉजिटिव रहेगा, ब्लू है वो निगेटिव ही रहेगा। तो चलिए इसकी जो हम वायरिंग कर लेते हैं और जब इसको चला के देखते हैं। ये हमारा SMPS है, ये इसकी आउटपुट हमारी 24 वोल्ट है। तो मैं इसमें इसके लिए कनेक्शन करूँगा। चलो, तो ये हमारे पास एक रिले है DC 24 वोल्ट की, और ये रिले का बेस है। तो चलिए हम इसको इसमें लगा के टेस्ट करेंगे। जो मेरा रिले का A2 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, ये A1 पॉइंट है। A2 पॉइंट जो पॉजिटिव है हमारा, और A1 पॉइंट है नेगेटिव है। तो सेंसर की आउटपुट को हम जो रिले के A2 पर लगा लेते हैं। आउटपुट इससे कनेक्ट होगी, और जो सेंसर की पावर है इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लेंगे। और जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव पे हम कनेक्ट कर लेंगे। और ये एक हमारी रिले का जो नेगेटिव है अब उसको भी लगा लेंगे। जो रिले का नेगेटिव है इसको हम रिले के नेगेटिव पे ही लगा लेंगे सेंसर के साथ, क्योंकि पॉइंट हमारे पास एक ही है और वायर दो हमारे पास, ठीक है। अब हमारी वायरिंग हो चुकी है इस सेंसर के थ्रू, अब हमारी आउटपुट ऑन हो गई है। जैसे ही हम इस सेंसर के आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, या हमारी कॉपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारी सनमाइका की सीट है, सनमाइका पे भी ये काम करती है। और ये हमारी मेटल है, ये मेटल पे भी काम करेगी, ये सभी चीज़ों पे काम करेगा चाहे कुछ भी। और तो अभी मेरे पास क्या है, बोतल है, और जो इस बोतल में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊँगा ये जो जल जाएगी हमारी। तो अभी क्या हो रहा है, इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो जो हमारा कैपेसिटर कैसे बनता है कि अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई भी अगर मटेरियल बीच में आ जाएगा, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी आ जाएगा, तो जो कैपेसिटर एज ए कैपेसिटर काम करेगा। तो सेम वर्क यही हो रहा है। अभी इसमें क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है अंदर, और जो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टेटिक जनरेट कर रहा है। और इस इलेक्ट्रोस्टेटिक जनरेट कर रहा है, इसके बीच में जो भी हमारा कुछ भी मटेरियल आएगा तो ये जो काम करने लग जाएगा, ये हम देख सकते हैं। तो अभी क्या है, इसकी सेंसिटिविटी जो एकदम मैंने हाई की हुई है,
अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो इसका लेवल जहां तक लेवल है वहीं तक जले, उसके ऊपर ना जले। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी जो सेंसिटिविटी जो कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जहां हमें अभी हमारे यहां जल रहा है ऊपर तक जल रहा है, तो यहां लेके जाएंगे जहां हमें नहीं जलाना, तो हमें यहां नहीं जलाना। यहां लेके जाके तो क्या करेंगे, इसका जो पोर्ट है इसके पोर्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब मिनिमाइज की तरफ। ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ बंद हो गया। तो अब हम इसको यहाँ हटा देंगे। अब जैसे हम नीचे लेके जाएंगे यहाँ तो जलेगा, लेकिन यहाँ हमारा नहीं जलेगा, यहाँ जलेगा, यहाँ हमारा नहीं जलेगा। इसकी सेंसिटिविटी और हम कम कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही, माल फंक्शन हो रही है, तो सेंसिटिविटी और थोड़ी कम कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर वर्क कह रहे हैं, यहाँ जल रहा है इस पर, ये आ गया है, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा वाटर नहीं है, यहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा है और यहाँ कैपेसिटेंस कम है, तो इसलिए यहाँ नहीं जलेगा और तो यहाँ जलेगा, तो यहाँ इसका आउटपुट हमें नहीं जलेगा। तो इस तरीके से हम जो इन सेंसर्स को, कैपेसिटिव सेंसर को लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जहाँ भी जैसी भी हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, थैंक यू।